नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ SSC CGL एग्जाम 2020 जो आपके आज 3 मार्च को कंडक्ट हुए हैं। तो इनके ऑल शिफ्ट यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 67 जीके के प्रश्न आपको हूबहू यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रथम पारी के 23, सेकेंड शिफ्ट के 21 और थर्ड शिफ्ट के 23 क्वेश्चन हैं। यानी आपके टोटल इन तीनों पारियों में जो 75 सवाल जीके के पूछे गए थे, इनमें से 67 क्वेश्चन मिल गए हैं। और मेरा हमेशा की तरह जैसे कि दावा है कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे, इस बात पर एक लाइक जरूर बनता है। और दोस्तों, वीडियो आने में थोड़ा डिले हो गया है, कारण है बहुत से क्वेश्चंस मिले हैं उनको वेरीफाई करने में समय लगता है। तो सबसे पहले अपन कंटिन्यू करते हैं सेकेंड शिफ्ट के साथ, उसके बाद देखेंगे थर्ड शिफ्ट और लास्ट में प्रथम पारी के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, उन सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये सभी सवाल है व्हाट्सएप पे सेंड किए हैं। और इस प्रकार आपका भी जब नेक्स्ट एग्जाम हो तो आप ज़रूर अपने सवाल व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, 8306-69-32-416। तो सेकेंड शिफ्ट का जो पहला जीके का सवाल आ रहा है, अजात शत्रु किसके पुत्र थे? तो अजात शत्रु हैं, इनके पिता का नाम है बिंबिसार, जो कि मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र, जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया है। अजात शत्रु हैं, इन्होंने अपने पिता को मार कर राज्य प्राप्त किया था। और अजात शत्रु का जो बचपन का नाम है वो था आपकी कुणिक। अब देखिए, जो हरियंक वंश की स्थापना है वो 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा की गई थी। तो बिंबिसार है जिन्होंने हरियंक वंश की स्थापना की है। और आगे एक सवाल भी आएगा जो थर्ड सेट में पूछा गया है, और ये आपके सेकेंड सेट में है। अब देखिए, बहुत से कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, एक है बिंदुसार, एक है बिंबिसार। तो बिंदुसार से भ्रमित नहीं होना है, बिंदुसार मौर्य राजवंश के राजा थे और जो बिंबिसार हैं ये आपके हरियक वंश के शासक थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? नंद वंश की बात करें तो इनके जो अंतिम शासक थे वो थे धनानंद। और नंद वंश की स्थापना प्रथम चक्रवर्ती सम्राट क्षत्रिय महापद्मनंद ने की थी। किन्होंने की थी? महापद्मनंद ने नंदवंद की स्थापना की थी। और इस वंश के अंतिम राजा धनानंद को ही अपदस्थ कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। तो नंदवंश के अंतिम शासक जो धनानंद थे उनको अपदस्थ करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपके SSC हो, ग्रुप डी, NTPC, इसके लिए आप साप्ताहिक एक मॉक टेस्ट जरूर लगाई। यहाँ पर यदि आप परीक्षा ऐप पर मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपको फाइनली अपनी रैंक का पता चल जाएगा और व्याख्या सहित आंसर मिलेंगे। और प्रथम 100 यूजर को जो अपने चैनल का रेफरेंस लेके ये कूपन कोड अप्लाई करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है तो 40% का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट PDF फाइल है, जैसे कि SSC और रेलवे की है, 2018-19 में एग्जाम हुए हैं, तो आप देख सकते हो ये सभी आपको डिस्काउंट डील के तहत मिल जाएगी, 45 रुपये में आपके कट होकर डिस्काउंट डील। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पेमेंट के बाद, यहां पर आप व्हाट्सएप कीजिए, तुरंत PDF फाइल मिल जाएगी। तो चलिए अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है, और इससे पहले जो 49वां है वो विनोद खन्ना को दिया गया था। ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के दौरान प्रदान किया जाता है। और जो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है जो कि नायडू ने इनको प्रदान किया है, 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को। और व्यक्ति ये का क्यों दिया जाता है और किसको दिया जाता है, तो ये व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ है वो 1959 में किया गया था। और प्रथम, ये बहुत बार पूछा जाता सवाल, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो देविका रानी को दिया गया है। इनमें जो पुरस्कार राशि है वो 10 लाख रुपये दिया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे, ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग 2019 में भारत की क्या रैंकिंग है? सेकंड सेट का सवाल है कि ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग 2019 में भारत की रैंकिंग है वो 7वीं है। इससे पहले 2018 में भारत की 9वीं रैंकिंग थी। और यहाँ पर प्रथम रैंकिंग पर है US यानी यूनाइटेड स्टेट है, और सेकेंड चाइना है, थर्ड है आपके जर्मनी। अगला सवाल देखिए, अमित शाह ने हाल ही में नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित कौन सी बुक रिलीज की है? तो नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित, या फिर कुछ घुमा के ये उल्टा भी पूछा जा सकता है कि कर्मयोद्धा जो ग्रंथ पुस्तक है अमित शाह ने किसके जीवन पर आधारित ये पुस्तक है? तो ये है नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित, पुस्तक का नाम है कर्मयोद्धा, लेखक है अमित शाह, और कब रिलीज हुई है? तो ये 7 जनवरी 2020 को रिलीज की गई थी। अगला सवाल यहाँ पर, विनेगर यानी सिरका में कौन सा एसिड होता है? तो विनेगर की बात करें तो इसमें एसिटिक एसिड होता है। और जो अन्य इंपॉर्टेंट जहाँ से सवाल बन सकता है कि टमाटर में कौन सा एसिड है, तो ऑक्जेलिक होता है। सेब की बात करें तो मैलिक एसिड होता है। इमली में टार्ट्रिक होता है।
है, नींबू में सिट्रिक होता है, दूध में होता है लैक्टिक एसिड। आप कमेंट करके बताइए संतरा में कौन सा एसिड होता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर माधवपुर मेला कहाँ पर आयोजित होता है। माधवपुर मेले की बात करें तो ये गुजरात में आयोजित होता है। इसका जो उद्देश्य है देश के विभिन्न हिस्सों प्रमुख रूप से उत्तरी पूर्वी राज्यों को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत एक दूसरे के निकट लाना है। और जो माधवपुर मेला है, गुजरात का माधवपुर मेला अरुणाचल प्रदेश की मिशमी जनजाति से अपना संबंध रखता है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का नया लोगो में क्या शामिल है? जो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा का नया लोगो हाल ही में आया है उसमें क्या सम्मिलित किया गया है? तो नए लोगो में राष्ट्रीय प्रतीक और फोकस टेल ऑर्किड, राज्य फूल, जो अरुणाचल प्रदेश का राज्य फूल है जिसका नाम है राइनो कोस्टिलिस रेटुसा, इसको सम्मिलित किया गया है उस लोगो में। नेक्स्ट वाले पे टोक्यो ओलंपिक 2020 हेतु भारत के किस घुड़सवार ने क्वालिफाई किया है? तो टोक्यो ओलंपिक जो कि टोक्यो जापान में 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 को आयोजित होगा, इसमें भारत के जो घुड़सवार खिलाड़ी जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो है फवाद मिर्जा है। अन्य यहाँ पर मैं इवेंट की बात करूँ तो रेसलिंग में कौन से भारतीय खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है? विनेश फोगाट, जो कि वुमन फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम में इंडिविजुअल ये भाग लेगी। और बजरंग पूनिया है रेसलिंग में, रवि कुमार है, दीपक पूनिया रेसलिंग में है, आर्चरी में आपके आ जाएंगे तरुणदीप राय है, अतानु दास है। और इसकी आपको पीडीएफ फाइल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तीनों शिफ्टों की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। या फिर बहुत से कैंडिडेट कमेंट करते हैं लिंक से ज्वाइन नहीं होता, तो आप टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, वहां पर आपको सर्च करना है @TopTGK और आप चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मटेरियल मिलता है। एक सवाल था आपके, रात्रि को चमकने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? यहां पर क्या हो सकता है आंसर, आप कमेंट करके बताइए। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन यहां पर पता नहीं चला है, तो यदि आज आपके सेकेंड सेट में था तो जरूर बताइए क्या ऑप्शन थे इस सवाल में। ब्रह्मागिरी वन्य जीव अभ्यारण कहां पर है? ब्रह्मागिरी वन्य जीव अभ्यारण ये कर्नाटक के कोडगु जिले में स्थित है। किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। और ये अभ्यारण केरल के अरलम वन्य जीव अभ्यारण के निकट है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जो अरलम वन्य जीव अभ्यारण वो कहाँ पर है? केरल में है। और ब्रह्मागिरी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला सवाल, यहाँ पे ASCEND 2020 जो समिट है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये केरल, कोच्चि केरल में हुआ है, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है और ये आपके 9 और 10 जनवरी 2020 को यहाँ पर आयोजित हुआ है। और एसेंट 2020 में 100 करोड़ रुपए से अधिक इन्वेस्टमेंट और 9000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने के साथ 18 मेगा परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये केरल में आयोजित हुआ है, तो केरल के आपको मुख्यमंत्री पता होना चाहिए, पिनाराई विजयन है, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। अगला सवाल, किस नियमानुसार दो आवेशों के मध्य दूरी बढ़ाने पर उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है? तो आकर्षण बल है, आवेशों की बात हो रही, तो वो कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम कहता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल है उसका मान होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी Q1 और Q2 के समानुपाती होता है, और उन आवेशों के बीच की दूरी जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस प्रकार से रिलेट करता है। नेक्स्ट, यहाँ पे फेफड़ों यानी लंग्स के मध्य कौन सी ग्रंथि उपस्थित है? तो फेफड़ों की बात करें तो उनके मध्य थाइमस ग्रंथि है, जो कि अब देखिए यहाँ पर बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो आपके लीवर हो जाएगी। एक सवाल था तोरा बोरा पहाड़ियाँ, जो तोरा बोरा पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है? तो ये अफगानिस्तान में है। तोरा बोरा को 1980 के दशक के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ सैन्य बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तालिबान के गढ़ के स्थान के रूप में जाना जाता है, जो कि अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट, यहाँ पे लॉफिंग गैस की बात करें, जो हंसाने वाली गैस है वो आपके नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, तो N2O आपको याद में रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष पूर्ण किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो 1924 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था, जिसकी हाइट है 26 मीटर यानी 85 फीट इसकी हाइट है। यह निर्माण कार्य आपके 31 मार्च 1913 को शुरू हुआ था और 1924 में संपन्न हो गया था, उसके बाद उद्घाटन हुआ था 4 दिसंबर 1924 को। और इसका निर्माण क्यों करवाया गया था? तो इस प्रवेश द्वार का निर्माण राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के आगमन की यादगार में हुआ था, और इसके वास्तुशिल्प बहुत बार पूछा जाता है, जो आपकी गेटवे ऑफ इंडिया है इसके वास्तुशिल्प कौन है? ये मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, इसके वास्तुशिल्प है जॉर्ज विटेंट है, सन 1924 में ये बनकर तैयार हुआ था, और ये कहाँ पर है? ये मुंबई में है। अगला सवाल, यहाँ पर विंग्स इंडिया 2020 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो विंग्स इंडिया 2020 को 12 से 15 मार्च 2020 तक हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। तो बेगमपेट हवाई अड्डा जो हैदराबाद में है वहां पर विंग्स इंडिया 2020 आयोजित होगा मार्च 2020 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इन आयोजन का जो उद्देश्य है वो नागरिक उड्डयन, देखिए यहाँ पर कौन करता है,
आयोजन वो देख लेते हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इनका आयोजन किया जाएगा और इसका उद्देश्य है इस क्षेत्र के तेजी से बदलते गतिशीलता को जन्मजात मंच प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, यहाँ पर प्याज में कौन सा एसिड होता है? तो प्याज में सल्फेनिक एसिड होता है जिसके कारण अपन प्याज काटते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो उसमें होता है सल्फेनिक एसिड। लेडी विलिंगडन पार्क कहाँ पर है? लेडी विलिंगडन पार्क, जिसका भी नया नाम है लोदी गार्डन, तो ये पहले का नाम था उसका नाम चेंज हो गया अभी लोदी गार्डन, जो कि नई दिल्ली में है। अगला सवाल, यहाँ पे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2018 कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो विश्व जो चेस शतरंज चैंपियनशिप 2018 ये लंदन यूके में हुई थी, जिसमें चैंपियन रहे थे मैग्नस कार्लसन। और अगला सवाल, इस का किस वर्ष बॉम्बे का नया नाम मुंबई रखा गया है? तो बम्बई का नया नाम जो मुंबई रखा गया है वो 1995 में रखा गया था। अब देख लेते हैं थर्ड शेप के क्वेश्चंस, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यदि आज आपने सेकेंड हो थर्ड शेप है, इसमें लगभग 2-3 सवाल यहाँ पर मेरे को नहीं मिले हैं, तो वो आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आज आपका पेपर था। तो थर्ड शेप के सवाल है आपके सामने, इसमें टोटल 23 क्वेश्चन मिले हैं। थर्ड, यहाँ पर श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कोलम्बो है श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर, जो कि श्रीलंका की कमर्शियल राजधानी यानी वाणिज्यिक राजधानी है, और श्रीलंका की सेकेंड सबसे बड़ी सिटी कैंडी है। अब देखिए यदि सवाल आ जाए कि श्रीलंका की प्रशासनिक जो ऑफिशियल राजधानी वो कौन सी है, तो श्री जयवर्धनापुरा कोटे है और वाणिज्यिक राजधानी है कोलंबो। अगला सवाल है कि मस्तिष्क का भाग कौन सा नहीं है? तो आपके ऑप्शन में था पिना, ये कान का भाग है ना कि मस्तिष्क का है। अब देखिए मस्तिष्क के भाग की बात करें तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, आपको पता है अग्र मस्तिष्क, जहाँ से इसमें भी आपको पूछा जा सकता है जैसे सेरिब्रम ऑप्शन में हो सकता है, तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। और थैलेमस की बात करें तो ये अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है, इस भाग के अंदर दर्द ठंडा या गर्म को पहचानने का कार्य है। तो इसके कार्य आप जरूर याद रखिए, बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं। थैलेमस का क्या कार्य, जो अग्र मस्तिष्क का भाग है तो ठंडा गर्म पहचानने में काम आता है। हाइपोथैलेमस भी अग्र मस्तिष्क का भाग है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर कंट्रोल करता है। अब देखिए जो मिड ब्रेन है मध्य मस्तिष्क के 3 भाग में, जो मिड ब्रेन में एक भाग होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, ये मध्य मस्तिष्क का प्रमुख महत्वपूर्ण भाग है, और जो कि मस्तिष्क का ये भाग देखने सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है। तो ये भाग है जो सुनने और देखने की जो शक्ति है उसको कंट्रोल करता है। और जो लास्ट आपकी हिंड ब्रेन यानी पक्ष मस्तिष्क है, उसमें एक सेरिबेलम होता है। मस्तिष्क का इस भाग का काम शरीर का संतुलन बनाए रखना है, और एक मेंडुला ओब्लिगेटा होता है, ये मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है, इसका मुख्य कार्य हार्ट ब्लड प्रेशर श्वसन को कंट्रोल करना है। तो ये कुछ मस्तिष्क के इंपॉर्टेंट भाग जहां से सवाल उनके कार्य से संबंधित पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है थर्ड चैप्टर का कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का नाम क्या है? तो ये जिप्सम का नाम है, केमिकल नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है वो इस प्रकार CaSO4.2H2O होता है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले की बात करें तो इसमें आपको H2O करना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा वो। हरियंक वंश का प्रथम शासक कौन था? तो हरियंक वंश मैंने आपको बताया है ऊपर सेकंड सेट में था। हरियंक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा की गई है। अंतिम शासक की बात करें, हरियंक वंश के कौन थे? नाग दशक थे अंतिम शासक। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कौन कराता है, करता है ये? तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो ये भारत का वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। अगला सवाल, गुप्त शासकों ने किसानों पर कौन सा कर लगाया था? तो यहां पर ऑप्शन आप कमेंट करके बता दीजिए। देखिए कर की बात करें, गुप्त शासक के 2-3 प्रमुख कर हैं। एक तो आपके ऊपरी कर जो उद्रंग कर है, ये एक प्रकार का भूमि कर था, तो हो सकता है ये किसानों पर लगाया गया भूमि कर है। अब देखिए हलदंड कर भी है, जो हल पर आधारित कर है, ये कर हल पर लगता था। एक पर्णय कर था जो गुप्त शासकों ने लगाया था, गुप्त काल में ये ग्रामवासियों पर लगाया गया अनिवार्य एक स्वेच्छा चंदा था पर्णय कर। अगला सवाल, यहाँ पर दिसंबर 2019 तक भारत तेल का आयात सबसे ज्यादा किस देश से करता है? तो भारत जो तेल का आयात करता है सबसे ज्यादा वो इराक से करता है। सेकेंड जो करता है आपके भारत आयात वो सऊदी अरब से है, थर्ड करता है ईरान से। नेक्स्ट, यहाँ पे भूटान के प्रधानमंत्री कौन, इस बार पूछा गया था। भूटान के प्रधानमंत्री की बात करें तो लोटी तेसरिंग है भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री। और किबूथू कहाँ पर है? किबूथू है ये दोस्तों, किबूती भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में स्थित एक कस्बा है, और ये भारत का पूर्वोत्तम
स्थायी रूप से आबाद स्थान है, पूर्वोत्तम स्थान है जो स्थायी रूप से आबाद है। अगला सवाल, किस देश ने अंतरिक्ष में मानव अन्य देशों के सहयोग से भेजा है, यानी खुद के बलबूते पर नहीं भेजा है, अन्य देश के सहयोग से भेजा है। अब तक ऐसे टोटल 3 कंट्री हैं जिन्होंने खुद मानव को भेजा अंतरिक्ष में। भारत ने अन्य देशों के सहयोग से, जैसे कि राकेश शर्मा को भेजा था भारत ने अंतरिक्ष में, जो कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, वो गए थे आपके रशिया के, रूसी अंतरिक्ष यान सोयुज T11 से गए थे। और बात करें भारत की, तो भारत देश 2022 तक एक इंसान को अंतरिक्ष में भेज देगा, जो कि अपने खुद के स्तर पर भेजेगा। और इस तरह के कारनामे जो अंतरिक्ष पर भेज चुके हैं उसमें आपके भारत नहीं है, रशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद है। ये भारत मानव को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, नर्स दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो नर्स दिवस की बात करें, जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है ये 22 मई को मनाया जाता है, जो कि विश्व नर्सिंग के संस्थापक थे फ्लोरेंस नाइटिंगल। ये विश्व नर्सिंग के संस्थापक थे फ्लोरेंस नाइटिंगल की याद में दुनिया भर में मनाया जाता है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगल है ये एक ब्रिटिश नागरिक थी, उन्हें युद्ध में घायल व बीमार सैनिकों के सेवा के लिए जाना जाता है। और 2019 में जो ये मनाया गया नर्स दिवस, इसकी थीम थी नर्सेज ए वॉइस टू लीड, हेल्प फॉर ऑल। नेक्स्ट, यहाँ पे ल्यूसीफर किस ग्रह का नाम है? तो ल्यूसीफर की बात करें तो ये वीनस यानी शुक्र ग्रह का नाम है, ल्यूसीफर एक लैटिन नाम है शुक्र ग्रह का। किसे भारत से अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड, किसे भारत से ये पुनः सदस्य नियुक्त चुने गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड, जो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है, यहाँ पर पुनः री इलेक्ट हुए हैं भारत के सदस्य हैं, जो है जगित पावदिया है। नेक्स्ट यहाँ पे जगित नहीं सॉरी जगजीत। अगला सवाल यहाँ पे, यांगजी नदी के किनारे कौन सी सिटी बसा हुआ है? तो यांगजी नदी ये चाइना में है, यहाँ पर ये देख सकते हो सभी शहर हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन थे जो कि इस नदी के किनारे बसे हुए हैं? और ये जो यांगजी नदी है ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की, सबसे लंबी और थर्ड लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड की। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश की बात करें तो अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त और प्रथम शासक थे श्रीगुप्त। अब देखिए एक सवाल था, शूटिंग का सर्वोच्च सम्मान है जो IESF के ब्लू कोर्स जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो IESF जो शूटिंग का ब्लू कोर्स है ये शूटिंग का सर्वोच्च सम्मान है, यहाँ पर भारत के खिलाड़ी ने जीता है, तो उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के कोषाध्यक्ष कौन है? कोषाध्यक्ष की बात करें तो अरुण सिंह धुमाल है। और BCCI के बहुत से स्टूडेंट ने बताया है, सचिव का पूछा गया है, तो सचिव की बात करें तो जैसा है, आप कमेंट करके बताइए क्या कोषाध्यक्ष था या फिर सचिव था। अब देखिए BCCI है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1928 में हुई थी, वर्तमान में प्रेसिडेंट सौरव गांगुली है, वाइस प्रेसिडेंट महिम वर्मा है। और इनके भारत की अब टीम की बात करें तो पुरुष टीम के जो कोच है वो रवि शास्त्री हैं और वुमन टीम के कोच है WV रमन। अगला सवाल यहाँ पर, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हैंसांग ने भारत की यात्रा की है? तो चीनी यात्री हैंसांग ने यहाँ पर पुष्यभूति वंश के शासक नाम है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, जो कि यहाँ पर 630 से लेकर 640 ईस्वी तक भारत में रहे थे इनके शासनकाल में। सार्क देशों का सदस्य नहीं है, तो सार्क देश यानी जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है, इसमें टोटल 8 सदस्य देश है, इसमें से जो भी ऑप्शन में नहीं था इसके अलावा था वो करेक्ट होगा क्योंकि वो सदस्य नहीं है। तो 8 कौन से देश जो सदस्य है, तो उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। और जो सार्क का हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। और 2020 का जो सार्क सम्मेलन होगा वो इस्लामाबाद में होगा, इससे पहले का जो सार्क सम्मेलन होना था वो भी इस्लामाबाद में होना था लेकिन उनको कैंसिल कर दिया गया था 2019 वाला। अगला सवाल, एक अश्वशक्ति में कितने वट होते हैं? तो 746 वट होते हैं एक अश्वशक्ति में। नेक्स्ट यहाँ पे एक कुछ इस टाइप से सवाल था कि कान के पर्दे में हवा जाने पर दबाव को सहन करने वाला भाग कौन सा होता है? तो आप कमेंट करके बता सकते हो क्या ऑप्शन थे, किस प्रकार से एग्जैक्ट सवाल था यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है? तो हेनरी बेकुरल ने की है रेडियो एक्टिविटी की खोज। और इस टाइप का जो लास्ट सवाल है कि ध्रुव का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो नॉर्थ पोल की बात करें तो उसका हाइएस्ट जो उच्चतम बिंदु वो माउंट एवरेस्ट है, और साउथ पोल का है हाइएस्ट पीक जो अंटार्कटिका में आता है ये माउंट विंसन है, या फिर इसे विंसन मासिक भी बोला जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं जो प्रथम पारी के क्वेश्चंस हैं, और यहां पर टोटल 23 क्वेश्चंस मिले हैं प्रथम पारी के। तो चलिए यहां पर फर्स्ट चैप्टर का जो पहला सवाल है कि सावित्री बाई फुले किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, जो कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है, समाज सुधारिका है, वो मराठी कवित्री भी है।
अगला सवाल यहाँ पे, करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन नवंबर में हुआ है, 9 नवंबर 2019 को हुआ है। किसने किया है? तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और पाकिस्तान की साइड से प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के इमरान खान है उन्होंने किया है। और करतारपुर कॉरिडोर में किसको ये कनेक्ट करता है? तो करतारपुर कॉरिडोर पंजाब स्थित डेरा बाबा नानक को करतारपुर स्थित जो दरबार साहिब का गुरुद्वारा है करतारपुर में, और करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जिसे मूल रूप से गुरुद्वारा दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है, ये सिखों का एक प्रमुख गुरुद्वारा धार्मिक स्थल है जहाँ गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष है वो बिताए थे। 2019 तीरंदाजी में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? पद्मश्री की बात करें जो 2019 तीरंदाजी में दिया गया है, तो वो बोम्बायला देवी लेसराम को दिया गया, ये मणिपुर से हैं। 2020 में पूछ लें कि पद्मश्री किन महिला खिलाड़ियों को दिया गया है, तो रानी रामपाल को हॉकी में दिया गया, हरियाणा से बिलोंग करती है, और बैम्बम देवी को फुटबॉल में दिया गया जो कि मणिपुर से बिलोंग करती है। और बैम्बम देवी की बात करें तो इन्हें भारतीय फुटबॉल की दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पूर्व भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान थी। और पद्मश्री है ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, प्रथम कौन सा? भारत रत्न है, सेकेंड पद्म विभूषण है, थर्ड पद्म भूषण। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो आपके भूपेश बघेल हैं। हेमंत सोरेन की बात करें तो ये आपके झारखंड के सीएम हैं, और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की बात करें तो अनुसुईया उइके हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे? रमन सिंह थे। और अभी जो बात करें यहाँ पर भूपेश बघेल की, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, जो कि 17 दिसंबर 2018 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। और हेमंत सोरेन जो झारखंड के सीएम हैं। विजयनगर साम्राज्य या फिर हम्पी, ये दोनों ही किस राज्य में? तो ये दोनों कर्नाटक में है, और हम्पी आपको 50 रुपये के नोट पर हम्पी के रथ का चित्र अंकित देखने को मिल जाएगा। राजधानी विजयनगर के अवशेष हैं वो कर्नाटक राज्य में हम्पी शहर के निकट पाए गए हैं, और ये एक विश्व विरासत स्थल है हम्पी। और ये विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना किसने की बहुत बार पूछा है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने की थी। पुर्तगाली इस साम्राज्य को बिस्नागा राज्य के नाम से भी जानते थे। कौन सी कान की हड्डी बोन है? ये नहीं है, कान की हड्डी नहीं है। तो ऑप्शन में था आपके फीमर, ये कान की हड्डी नहीं है, ये सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। सबसे छोटी एक हड्डी है जो कान में होती है वो स्टेपस है। अब देखिए कान में तीन छोटी मध्य कान में हड्डियां हैं, मेलेलस है, इनकस है, स्टेपस है, हो सकता है ये तीनों ऑप्शन में हो, और चौथा फीमर है जो कि कान की हड्डी नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में 4 लगातार डबल यहां पर शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो टेस्ट क्रिकेट में चार लगातार जो सीरीज है उसमें 4 डबल सेंचुरी लगाई है वो विराट कोहली ने यहां पर कारनामा किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री की बात करें तो महिंदा राज पक्षे हैं। अब देखिए नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं भूटान के प्रधानमंत्री जो कि आपकी सेकेंड सीट में पूछे गए हैं, और मैंने प्रथम पारी की वीडियो में आपको बताया था कि इनसे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि प्रथम पारी में आपके श्रीलंका का राष्ट्रपति पूछ लिया, तो मैंने कहा कि जो पड़ोसी देश हैं उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जरूर देखिए, और मैंने भूटान का बताया जो कि लोटे त्शेरिंग है, बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति वो अब्दुल हामिद हैं। अगला सवाल, कौन सी सलमान रश्दी की पुस्तक नहीं है? तो सलमान रश्दी की यहाँ पर एक ऑप्शन था इरा ऑफ डार्कनेस, जो कि शशि थरूर की पुस्तक है। अहमद सलमान रश्दी एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं। उन्होंने अपने दूसरे उपन्यास से प्रसिद्धि हासिल की है जिनका नाम था मिडनाइट्स चिल्ड्रन। इनका उपन्यास है सलमान रश्दी का, यहाँ से इन फेमस हो गए थे क्योंकि इस उपन्यास को 1981 में बुकर पुरस्कार मिल गया था। अगला सवाल, जीएसटी काउंसिल ने लॉटरी पर कितने परसेंटेज का टैक्स रेट फिक्स किया? यदि आपको लॉटरी मिलती है तो 28% है वो जीएसटी टैक्स में चला जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे एक खेल से संबंधित ट्रॉफी थी, तो प्रथम पारी का क्वेश्चन है कौन सी ट्रॉफी का नाम याद नहीं रहा कैंडिडेट को, स्टूडेंट को। अगला सवाल, यहाँ पे हरिका द्रोणावली का संबंध किस खेल से है? तो हरिका द्रोणावली है ये शतरंज खेल से संबंधित है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का नाम है शुष्क बर्फ। यूरोपीय यात्री सर टॉमस रो किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आए थे? तो सर टॉमस रो हैं, ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आए हैं। इसके अलावा बात करें कैप्टन हॉकिंस हैं, ये भी जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे 1608 में, जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल शासक यानी जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे सर
टॉमस रो आए थे, और आपकी थर्ड चैप्टर था हेंसांग का पूछ लिया है, तो ये सभी आपको ध्यान में रखना जो विदेशी यात्री आए हैं। विश्व खाद्य प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है, जिसका फॉर्मेशन 1961 में हुआ था, और वर्तमान में हेड है डेविड बेस्ली। अगला सवाल, यहाँ पर 21st सेंचुरी फॉक्स जो कंपनी है फिल्म इंडस्ट्री की, ये कंपनी को खरीद लिया, किसने खरीदा है? तो 21st सेंचुरी फॉक्स है कंपनी, इसको वॉल्ट डिज्नी ने खरीदा है। वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने रूपर्ट मर्डॉक की 21st, रूपर्ट मर्डॉक की कंपनी थी 21st सेंचुरी फॉक्स के फिल्म टेलीविजन और इंटरनेशनल बिजनेस को 52.4 अरब डॉलर में खरीद लिया था। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन यहाँ पर निर्धारित करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये निर्धारित की जाती है। वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है? तो वर्तमान में जो रेपो रेट आप देखिए 5.15% है, रिवर्स रेपो रेट 4.90 है, और जो केस रिजर्व रेशियो है वो 4% है, और SLR 18.25% है। मिशन मंगल फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? तो विद्या बालन थी, जो मिशन मंगल मूवी आई थी उसके मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार, मुख्य अभिनेत्री विद्या बालन थी, और इसके डायरेक्टर थे जगन शक्ति। सांची के स्तूप की खोज कब हुई थी? तो 1818 में हुई थी। सांची का स्तूप है ये मुगल नहीं, ये सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी में बनाया था, फिर इसकी खोज की गई थी, एक ब्रिटिश घुड़सवार थे, इन्होंने 1818 में इसकी खोज करके पुनर्जीवित किया था, और यूनेस्को ने सांची स्तूप को 1989 में विश्व विरासत स्थल में शामिल कर दिया था। और ये कहाँ पर है सांची का स्तूप? ये मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है वो टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 22 भाषा तो 8वीं अनुसूची की है, दो कौन सी भाषा है? तो राजस्थानी और अंग्रेजी है। तो इनमें यदि हिंदी की बात करूं, 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में दिया गया वो नंद किशोर आचार्य को दिया गया है, इंग्लिश का दिया गया है शशि थरूर को, तो कौन सी भाषा का पूछा गया वो मालूम नहीं है। सबसे लंबे समय तक रहने वाले राजा कौन है, जिनका 2020 में हाल ही में निधन हो गया था? तो ओमान के राजा है सुल्तान कबूज, जो कि 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो सबसे लंबे समय तक रहने वाले राजा है ये ओमान के सुल्तान कबूज। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जे.जे. थॉम्सन है, प्रोटॉन के रदरफोर्ड या फिर कहीं पर गोल्डस्टीन भी आपको मिल जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे, अराकू वैली कहाँ पर स्थित है? तो अराकू वैली घाटी है, ये दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में एक हिल स्टेशन और घाटी क्षेत्र है। तो ये प्रथम पारी के 23 क्वेश्चन है, और सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के अपन ने पहले ही देख लिए, तो टोटल यहाँ पर 67 क्वेश्चन आपके हूबहू कवर हो गए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यहाँ पर आपसे निवेदन है जब भी आपका एग्जाम हो अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप ज़रूर कीजिए 8306-32416, और कमेंट करके बताइए आपका एग्जाम कब है, यदि आज आपका एग्जाम था तो कितने अटेम्प्ट किए हैं ये भी कमेंट कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपके मिस ना हो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।